and we were glamorous teenagers and you were a fat cute pink little 10-year-old nickname uh, <laughs> uh, and so najam and i have always called you Danny. Uh, so may i continue with that well you can call me Daniel, but privately you can call me Danny. <laughs> so Daniel al jabi interview to उनके एंटिसडेंट्स जो होते हैं जो उनके आबाजाद होते हैं उनके बारे में ज़रूर बात करती हूँ क्योंकि वहाँ से पता चलता है कि बंदा क्या है और उसने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में तो तुम उन्नीस में लाहौर में पैदा हुए लेकिन तुम्हारे वालदेन जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि चौधरी अनवर अज़ीज़ जिनको मैं और मेरे शोहर नजम सेठी हमेशा से जानते थे उनको किताबों का बहुत शौक़ था दानश्वर थे कारकुन भी थे वकील भी थे वो शकरगढ़ की एक पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक था आपके दादा भी पढ़े लिखे थे फिर आपके वालिद मिशिगन गए और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी एल एल एम करने गए मिशगन एंडली अगली कहानी तुम बताओ बस फिर वो ब, उनकी शादी होगी मेरी अम्मी जो है उन्होंने इस्लाम अपना लिया मज़हब के तौर पर और फिर वो चले गए कैलिफोर्निया वहाँ पर मेरे वालद साहब की पहली जॉब मिली थी उनको जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को असिस्ट कर रहे थे कॉलोडो रिवर वाटर्स केस में बड़ा मशहूर केस है अमेरिका में तो उसके बाद उनको उनकी चाहट थी फार्मिंग की तो पाकिस्तान आके फिर सियालकोट में उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी और फिर नाइनटीन में नाइनटीन में एलेक्शन में शामिल हो गए तुम्हारी वालदा कैथलिन पंजाबी बोलती थी जी बिल्कुल और यानी कि घर में पंजाबी बोली जाती एग्जैक्टली exactly, तुम्हारी पहली मादरी ज़बान जो थी वो पंजाबी थी मैं कभी किसी गोरे शख्स को नहीं मिली जो अंग्रेजी तो वो बोलती थी अमेरिकन एक्सेंट जिस तरह तुम बोलते हो जब तुम बात करते हो अंग्रेजी में लेकिन जब वो पंजाबी बोलती थी तो वो कहती थी होन उसकी वजह है ना उसकी वजह है ना क्योंकि वो पांच साल गांव में रही थी शकरगढ़ में अच्छा तो वहां पर उन्होंने पंजाबी बोलनी सीखी तो फिर वो उनका जो पंजाबी का लहजा है वो भी वही वाला है। यहाँ पर आके इसी मिट्टी में रचना काम करना जान महल धन मन की बाजी लगाना ये कहाँ से आया तुम्हें? तो ये तो मेरे वालदेन की तरफ से था जी क्योंकि मेरी अम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क वर्क एथिक था बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिका में जो मिड वेस्ट है उनमें जो होम स्टडर मैंटेलिटी होती है एक उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगियां बनाई वहाँ पर जब उनके बावजाद आए तो तो यूरोप से उसके बाद उनके उनमें ये चीज उनके डीएनए समझ एन आप शामिल है लाहौर अमेरिकन स्कूल से पढ़ के फिर तुम बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए बॉस्टन यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चुना था एक तो उन्होंने स्कॉलरशिप मुझे बहुत अच्छी दी थी और दूसरी बात यह है कि वहां पर इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान के ऊपर एक सेंटर था नाइनटीन में एक Harvard की टीम आई थी ग्रुप पाकिस्तान, group, पाकिस्तान आया था पाकिस्तान डेवलपमेंट तो, के लिए जी और उनमें से कुछ लोग जो हैं जिसमें एक का नाम बहुत मशहूर है बिल्कुल बिल्कुल वो वो पे थे बिल्कुल। तो वो मेरे प्रोफेसर हैं अच्छा प्रोफेसर in right. तो जो, जो के लिए उससे बेहतर जगह अमेरिका में नहीं थी तो जब तुमने वो अपनी डिग्री खत्म कर ली तो तुम सीधा पाकिस्तान वापस आए तो सीधा पाकिस्तान वापस आके क्या किया क्योंकि मेरे वाले साहब ने कहा था अगर डिग्री, डिग्री मुकम्मल नहीं करोगे तो तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते तो मैंने जैसे ही वो मुझे मिल गई हाथ में तो मैं फिर भागता आया वापस पाकिस्तान और आते साथ ही मैंने अपने वाले साहब को दे दी कि अ लो थोड़ा तो हिसाब किताब और मैं अपनी मर्जी करनी है और सीधा <laughs> so, तुम सुना जलसे में चले गए जी बिल्कुल वहाँ से सीधा एयरपोर्ट से जलसे में गया और मैं उस वक्त नारोवाल नाइनटीन में नया जिला बना था तो नाइन में पहला जिला काउंसिल का इलेक्शन था तो मैं अपने आबाई गाँव में जो दो यूनियन काउंसिल्स थी कोट नैना और बारह उन दोनों से दोनों मिला के एक जिला काउंसिल की सीट बनती थी तो उस पे मैंने जिला का इलेक्शन लड़ा चौधरी अनवर तुम्हारे मरहला था जी। तो तुम नए नए यहाँ वापस आए थे उस वक्त कैसे उसके साथ तुमने डील किया उसमें हुआ ये था जी कि जो मेरे अपोजिशन कैंडिडेट था वो एक्चुअली हार्ट अटैक से वफात पा गया और चूँकि वो डेड बॉडी उनको मिल गई तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ना कत्ल का मुकदमा मेरे वाले साहब और हरेडली उनको बेरी कर दिया जबकि उनके अपने घर वाले जो थे वो कहते थे कि उनके ऊपर जिसम के ऊपर कोई गोली का निशान नहीं था तो वो मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा रहे थे और बत्तीस खानदान जो हैं वो जेर ज़मीन हो गए थे कोई बलोचिस्तान में छुपा हुआ था कोई फाटा में कोई सिंध में तो मेरे वाल साहब सिंध में थे तो उस वक्त जाम सादक साहब की हुकूमत थी तो ज़रूरत पड़ गई उस वक्त की हुकूमत को कि गौसली शाह साहब जो प्रेसिडेंट थे सिंध के पी एम एल एन के वो अपनी सीट सिंध में से तो हार गए थे लेकिन उनको जितवाना शायद ज़िद थी या जो भी है तो वो रिक्वेस्ट की उनको मेरे वाले साहब को कि अगर आप इनको जितवा देते हैं वह नारोवाल से तो ये मेडिकल बोर्ड वगैरह बैठ जाएगा तो आपको इंसाफ मिल जाएगा तो इस तरह से गौसली शाह साहब आके नारोवाल से एम एन ए बने तो ये सौदा था और फिर डिफेंस मिनिस्टर बने और साथ ही मेडिकल बोर्ड के का ऑर्डर हो गया

और मैं थोड़े से वोटों से कोई ढाई दो सौ सत्तर वोटों से इलेक्शन हार गया था 1993 नाइन्टी थ्री से लेके जो नाइन्टी सेवन तक जो चार साल थे उसमें दिन रात जो है आ, हमने फोकस किया हल्के के ऊपर स्पेशली मेरे वालद साहब ने उनको बड़ी इस बात की तकलीफ हुई थी कि मैं 93 का इलेक्शन हार गया था मुझे मालूम है क्योंकि लाहौर आया करते थे हमें मिला करते थे वो हल्के के कीड़े थे वो हर बंदे की मजाज पुरसी उसकी खुशी गमी हर चीज़ में शरीक हुआ करते थे और जब उनको मौका मिलता था क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़े और वो भी जीते तो हमेशा मैंने ये पाया कि वो आके हमें बताते थे कि अब मैंने इस कॉलेज को फाल किया इस स्कूल को अपग्रेड करवाया तलीम के ऊपर उनका बहुत कंसंट्रेशन होती थी, बहुत देते थे। शायद इसी की वजह है कि शकरगढ़ में औरतों की इसमेंडी और तो, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इस है उनका बहुत हिस्सा है अच्छा लेकिन दानियाल वो जब सेठी साहब और मेरे साथ बैठ के बातें करते थे तो हमेशा तुम्हारी शिकायत करते थे हमेशा तुम्हारी शिकायत करते थे ये तो

ऐसे वैसे अच्छा चलो ठीक है लेकिन हम चौधरी साहब को भी बड़ा समझते हैं है, है, है। उन्होंने बुनियाद तुम्हारे लिए रखी ये जो बुजुर्ग हैं हमारे वहाँ पर हमारे ग्रुप के उन्होंने हाथों से की है। या आज टिकटॉक और ये ट्विटर वगैरह बच्चे होंडाटी है तो अपना कुछ पोस्ट लगा दी तो समझिए उस वक्त चल दिया में नून लीग की हवा के बावजूद जब उनको टू थर्ड मेजोरिटी मिली

तो मियाँ साहब ने मुझे एक मीटिंग पे बुला लिया जहाँ पर इकोनॉमी पे फ़ैसला होना था कि एफ़ बी आर उस वक्त ये सी बी आर कहलाती थी, थी इनके जो टैक्स सिस्टम था उसको रिफॉर्म करना था उनका ये मानना था कि लार्ज टैक्स पेयर यूनिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे दफ़ातर बड़े टूटे फूटे हैं तो कोई भी अमीर आदमी वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं है मैंने कहा जब तक आप इंसेंटिवस ठीक नहीं करेंगे जो टैक्स अथॉरिटी है उनके तो तब तक ये टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं हो पाएगा बड़ी मशहूर कहावत है इफ यू यू पे पीनट्स गेट करेक्ट एनीवे उन्होंने बड़ा अच्छा लगा उनको ये मीटिंग में तो जब हम जा रहे थे बाहर तो मियाँ साहब ने मुझे कहा अच्छा आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया तो हम मिलते हैं फिर जल्दी इसको आगे लेके चलते हैं मैंने कहा नहीं मियाँ साहब ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है हमारा बड़ा अच्छा किया अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने बुलाया मुझे कहते हैं वो क्यों तो मैंने कहा इसलिए कि ये जो सारे आपके करीब खड़े हैं ना ये सब इंश्योर करेंगे कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे उसके बाद उन्नीस सौ निन्यानवे का जनरल मुशरफ का कु हुआ उस वक्त यू एन डी पी में थे शायद जी और उनके साथ कंसल्टिंग कर रहे थे फिर क्या हुआ फिर आ, उन्होंने दो अदारे बनाए एक नैब था और एक नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो था तो नेशनल तो रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो जो था उसका ये काम था कि पूरे पाकिस्तान के गवर्नेंस को रिकन्स्ट्रक्ट करना था उसके तीन फेजेस थे एक था कि प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट बनानी है एक था कि फेडरल टू प्रोविंशियल डेवोल्यूशन वो फिर आके रज़ा रबानी साहब और उनकी उस वक्त की गवर्नमेंट ने अठारहवीं तरमीम के तहत मुकम्मल किया और जो आखिरी था वो प्रोविंशियल रिकन्स्ट्रक्शन थी टू शेड द लोकल गवर्नमेंट एंड अडोप्ट द फेडरल फंक्शन जो डिवॉल्व हुए थे वो हिस्सा जो है ना वो रह गया हुआ है और इस वजह से अभी हमारे पास बड़े टॉप है, हैवी वॉबली प्रोविसेज हैं जिन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी खींच लिया सब कुछ और, और, और फेडरल गवर्नमेंट से, से भी ले लिया लोकल गवर्नमेंट भी नहीं चलने दी और, और पैसे भी ले लिए फेडरल गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट के भी पैसे ले लिए और वो बिल्कुल वॉबली टॉप हैवी सी प्रोविंशियल बनी हुई है तो इनका आखिरी फेज जो है वो इतना अहम है फिर जो है ना इसके इसका फायदा आवाम तक पहुंचेगा और ये सारा सेटल होगा ये रिफॉर्म जो है लेकिन लोकल गवर्नमेंट की जो शुरुआत थी वो तो उस वक्त हो गई थी तहसील नाजमीन वगैरह जिला नाजमीन बने और डिवोल्यूशन काफी हद तक हुई पास भी डिवॉल्व हुए फंड्स भी डिवॉल्व हुए 2008 में उसकी जड़ मार दी ना दो हजार में उसकी वो खत्म हो गया सब कुछ क्यों क्योंकि जो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ वो दो में इसके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए और 2002 में प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो तो कैसे वो अब 2008 में होने थे तो 2005 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में बहुत सारे लोग जो एम थे और वज़ीर भी थे और एम थे और वज़ीर भी थे और सादा एम भी थे उन्होंने इन एहवानों से इस्तीफे दे के और लोकल गवर्नमेंट कंटेस्ट करना ऑप्ट किया क्योंकि वहाँ जो वो काम जानते थे या जो करना चाहते थे वो अब वहाँ चले गया था तो ये हमारे बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी हिस्ट्री के चाहे हमें मतलब लेजिस्लेशन के स्पेलिंग ना आते हो लेकिन स्पीकर जरूर बनना है क्योंकि बड़े बड़े पुत्र फिर उसके बाद 2008 की इलेक्शंस आने से पहले कुछ थोड़ा बहुत ये काम रोल बैक होना शुरू हो गया लोकल गवर्नमेंट का जो होना चाहिए था उसको जिस तरह फाल होना चाहिए था कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसको रोल बैक करना शुरू कर दिया ये क्यों हुआ और कैसे हुआ इसमें जी जो लोग जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और वो जो क्लिक थी पॉलिटिकल जो इंस्टॉल की हुई थी प्रवेज मुशर्रफ साहब ने शुरू में तो वो लाइक माइंडेड कहलाते थे लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो इसको हम जो डेवलपमेंट लैंग्वेज में क्लॉबैक कहते हैं तो वो पावर्स जो हैं वो क्लाबैक करने शुरू हो गए क्योंकि वो असल में वो पावर्स थे जो वो चाहते थे कि वो इस्तेमाल करें और अपनी सियासी साख बनाएँ क्योंकि पहले फार्मूला ये रहा है कि मिलिट्री आपको इंस्टॉल करती है आप वो रेवड़ियाँ बांटते हैं आपकी सियासी साख बन जाती है वो जमात की शक्ल बन जाती है और फिर आप राज करते हैं अगर वो उस वक्त इनको चलाते प्रॉपरली और इनको सपोर्ट करते पुलिस और उस उस फलसफे को ले चलते तो शायद आज तक भी उनका नाम होता जब तक फाल लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा नहीं रिलीफ का रिलीफ की कहानी ख़त्म होगी क्योंकि रेड़ियाँ बांटने वाली ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में अब वो सियासत ही नहीं चल सकती इसलिए ये सारे जितने भी हैं इंक्लूडिंग पी टी आई ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये मछली के बाहर पानी की शकल अपना रहे हैं कभी ऐस तरफ तड़ते हैं तड़फते हैं कभी उस तरफ तड़फते हैं और मुँह ऐसे ऐसे खोलते हैं तो ये इनको जो है ना इनकी ये हालत हुई हुई है जो तो तो लोग पूछते हैं, हैं अक्सर के जी अपना ये पाकिस्तान का ये मुस्तबिल जमातों का तो मैं कहता हूँ कि जब किली की उतर जाती है ना तो काफी देर तक हिलती रहती है ये इनकी कैफियत उससे पहले मुशरफ की अभी दौर चल रहा था तुमने उस वक्त मुस्लिम लीग कायद आजम को ज्वाइन कर लिया जी जब जब दो हजार दो में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त जब सियासत बहाल हो गई तो उस वक्त एक चॉइस थी कि क्या करना है तो जितने भी लोग मुंसलिक थे उस वक्त के जो रिफॉर्म्स थे जिसका मैं एक किस्म का मतलब था। करता धरता था तो वो फिर आ, काफ लीग में चले गए ये हुआ था काफ लीग में चले गए हाँ। ये नहीं सोचा कि जनमूरी पार्टीज के साथ रहें जो आमरियत के खिलाफ हैं देखें जी उस वक्त जो जनमूरी पार्टीज ने जो कर गुजरा था पाकिस्तान के साथ और उस वक्त शायद मैं थोड़ी सी आपकी याद यहानी करवा दूं उस वक्त मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप रेलवे भी चलाएं मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप लाहौर की सड़कें भी बनाएं एफ़ डब्ल्यू ओ के ज़रिए मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप पी आई ए भी टेक ओवर करें यहाँ तक कि मिलिट्री को कहा जा रहा था कि आप अदालतें भी चलाएं तो मिलिट्री ने कहा कि आखिरकार इन्होंने ये भी हमें कहना कि कूड़ा करकट भी आप ही उठा दिया करें तो ये सब किस लिए हैं? ये जो महंगे बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून है इनका जो जन्मदिन था वो वो एटी फाइव का पार्टी का सिलेक्शन था जो 85 में पार्टी सल, पार्टी सिलेक्शन था जिसमें पीपीपी ने हिस्सा ही नहीं लिया वहाँ से फिर ये लोग जो 79 के लोकल गवर्नमेंट की ट्रेनिंग लेते लेते वो फिर प्रोविशल असेम्बलीज में आ गए जबकि शायद उनका कद पोत इतना था ही नहीं कि वो प्रोविंशल असम्बलीज में आने के काबिल होते अच्छा और एक एक सेकेंड के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद फिर जब न, नून लीग बन गई पहले वो जनेजो लीग थी उसके बाद जब नून लीग बनी तो फिर ये नाइन्टीज में फेडरल लेवल पे आ गए सारे लोग जो बेसिकली काउंसलर थे तो कहीं हाँ तो तो तो, तो कही से पूछा तो मैं, मैं कही तो सीखा था ना वो गली नदी वाला वो पहले वो प्रोविंशियल लेवल पे ले आए फिर वो फेडरल लेवल पे लेकिन तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम ये बात करो क्योंकि तुम इन्हीं पार्टीज का हिस्सा रहे हो

its financial, administrative, and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments. Correct. Okay, and devolve. So it will establish by law and devolve, not centralize. So abhi jo muntakil karega abhi jo uske baad kanun kavaneen bane hai. तो वो सारे यही कहते हैं आर्टिकल 140 ए को मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ अब हम सब कुछ सेंट्रलाइज कर लें

ठीक है उसके बाद तुम मुस्लिम लीग के जो रुए रवा थे उनके बहुत करीब रहे मैंने तुम्हें खुद देखा है मीडिया सेल में इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यू वर वेरी क्लोज टू बोथ मरियम नवाज शरीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड यू वर वेरी मच पार्ट ऑफ द सर्कल वॉट हैपन आफ्टर दैट एक तो बीच में पैनामा पेपर्स आया तुमने बहुत डिफेंड किया और तुमने आउट ऑफ द वे जाके तुमने बहुत मुतहरक होके ये सारी बात की जो और मियां नवाज शरीफ के साथ उस वक्त ज्यादती भी उसी साकिब निसार ने दोबारा भी की तो तुम ठीक थे तुमने अपनी पार्टी के लिए जंग लड़ी लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जब तुमको उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट तो क्या तुम्हारी किसी ने उसके बाद تحفظ नहीं किया या पंजाबीज के अंदर ताड़ी कांड नहीं कजी किसी ने नहीं कजी ना जी ये नून लीग जो है ये तो मशहूर है इस बात से कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हर चीज़ हाज़िर होती है तो जब उनको ज़रूरत नहीं रहती तो फिर सूरत बिल्कुल तब्दील हो जाती है लेकिन बहरहाल मुझे फ़ख्र है जो मैंने किया और कोई ऐसी बात नहीं और ये मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने फैसला किया है ये टिकटों का मेरे बारे में ये मेरे ी ख़्याल में नूनली का लॉस हुआ है क्योंकि मुझे पता है वहां पर कितना फुकदान है उन लोगों का जो के कुछ रिसर्च कर सकते हैं झगड़ा तो तो हो उसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन अगर तुमने पार्टी पॉलिटिक्स करनी है और पार्टीज के अंदर रहना है तो इस तरह खुल के तो तुम बात नहीं ना कर सकते जैसा तुम कर रहे हो क्योंकि बाकी सारे तो मुनाफिक है देखे मैंने साबित किया है दस साल जो थे Uh, इससे पहले के जब ये रिफॉर्म हो रहा था तो मेरे साथ उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे उन्होंने भी यही किया था एग्जैक्टली exactly. और फिर अभी दस साल जो है मैंने नूंगली के साथ गुजारे इन्होंने भी यही किया exactly. है ऐसा नहीं है मेरे से लोग जो है ना इट्स दिस हैपन टू मी बिकॉज ऑफ सम वीकनेस कि मेरे मुंह को जो है ना लगाम नहीं है और मुझे बात करने के लिए दिस इज़ हैपनिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेंथ क्योंकि मेरे is, से, मेरे से लोग मैंने पूरा पाकिस्तान नया बनाया हुआ है मैं, मैंने मैंने तमगे लिए हुए इस बात की वो सबूत है हिस्ट्री का हिस्सा है अब जब पाकिस्तान मुश्किल में पड़ा है तो सारे जो है वो कहाँ कुछ कहाँ सलूट कर रहे हैं तो काम तो उनके साथ मैंने किया दस बारह साल तुमने इस लीडरशिप के साथ खुशी खुशी इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स एंड साइजेस एंड वेरियस पार्टीज खुशी खुशी तुमने कई दहाइयाँ गुजारा भी किया ठीक है आज तक यानी कल तक तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे मुझे लेट मी फिनिश तुम इनके टिकट के भी तलबगार थे और अब तुम वो बातें कर रहे हो जो कि हमारे दरबारी कल्चर में फिट नहीं होती मैं तो तुम्हारे साथ अग्री कर रही हूं क्योंकि मैं समझती हूं तुम खुल के बात कर रहे हो तुम हकीकत बयान कर रहे हो लेकिन 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 ये जो कल्चर है पार्टीज का यहां पर यू कांट कॉल आउट द लीडरशिप And still expect to get tickets from them. उस, उस वक्त बड़ा फर्क था ना जी उस, उस वक्त था जी बिल्कुल उस वक्त हम सिविल सुप्रीमसी की जंग लड़ रहे थे सिलसिला शुरू हुआ तुमने जाके अपनी लीडरशिप की डिफेंस पेश की मैंने सिर्फ डिफेंस ऑन द मीडिया मैंने सिर्फ डिफेंस नहीं की मैंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेक ऑन कर लिया था जो आईसीआईजे था मैंने उनको खत लिखा था एज एम एन एम पाकिस्तान जिम्मेदारी लिखी हुई है उसके मुताबिक में मैं राइटफुल प्लेस में हूँ आप, आप जवाब दें कि नवाज शरीफ का तो पैनामा पेपर्स में नाम ही नहीं है तो आपने कैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ तुमने हर लेवल पे जंग की अपनी लीडरशिप के लिए जंग की उनके साथ जाती भी हुई हुआ क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ इन द सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर जो केस उन्होंने बनाया उसमें दो तीन चार्जेस थे तो तीनों में मैं एक्विट हुआ हूँ एक चार्ज जो था वो स्क्रिप्ट का लफ्ज़ था मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कहा था जब इमरान खान और जहाँगीर तरीन का फ़ैसला हुआ जो वो भी केस मैं ही लड़ रहा था हालांकि दरखास्ती हनीफ अबासी था तो उस केस में इन मैंने कहा था कि जहांगीर तरीन को सजा दी गई है और इमरान खान को बख्श दिया गया है और ये एन स्क्रिप्ट के मुताबिक था हालांकि स्क्रिप्ट का लफ्ज़ जो था वो तो पीटीआई का जो प्रेसिडेंट था जवेद हाशमी उसने ईजाद किया था जब उसने आके बताया कि जब मैं तकलीफ़ होती थी तो मरान कहता था कि तुम रिलैक्स करो ये फैसला हो गया कि जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल नवाज़ शरीफ को निकाल देना तो तुम इतना एजिटेट ना हुआ करो साई है हाँ गाल हो गई है सो द पॉइंट इज़ कि वहाँ से ही स्क्रिप्ट का लफ्ज़ आया था तो हमने मेरे वकील ने कहा भी कि हम विटनेस बुलाना चाहते हैं मखदूम जवेद हाशमी साहब को अपने डिफेंस में तो उन्होंने कहा जी नहीं उनको आप नहीं बुला सकते तो वो अड़ गया मेरा वकील आखिरकार फिर जो प्रेशर बहुत था तो उसने रोजी भी वहीं से कमानी है फिर उसने मुझे कहा यार ये रहने दें आप तो मैंने कहा ठीक। और हाथ कड़ी लगी ना कुछ तो, इतना ड्रामा था बाहर बख्तरबंद गाड़ियाँ वो सारा कुछ जब मैं आ रहा था वो कार्ड लेने के लिए तो मैंने उनसे पूछा भाई बड़ा मसला उन्होंने तो कहा जो साहब थोड़े वास्ते आए हैं गिरफ्तार करना आ जा देखते हैं जी तो मैं चले गया अंदर

जो तुमने उनके लिए कुर्बानी दी उन्होंने हक अदा कर दिया टिकट दिया महाराज जी कर, थी। वो कुर्बानी का हिस्सा थी वो टिकट जीत वो जीत गईं तो जीती तो मेरे वोटों तो से लेकिन वो कुर्बानी का हिस्सा थी भाई बिकॉज़ दानियाल तुम्हें तो चीफ जस्टिस ने डिस्क्वालीफाई किया था ना 5 साल ओह माय पार्टी हैड डिसाइडेड मेरी पार्टी ने ये डिसाइड किया एज अ पार्टी पॉलिसी कि हमने माफी नहीं मांगी

कि मैंने माफी नहीं मांगनी मैं माफी मांगना चाहता था आ। मेरी पार्टी ने मुझे रोका आ। कि तुम तो माफी ना मांगो किस चीज की माफी ये जी मैंने ऑफ कोर्ट नहीं किया किस चीज पे

2018 में महनाज जीत गई जी तुम ये मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या एक्सपेक्टेशन दी थी कि पार्टी मेरे साथ अब क्या सलूक करेगी मेरे साथ क्या बातचीत करेगी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारे दिल में बेमार चीजें अच्छा। तो उससे पहले उससे तो ये बात करो ना आ, तो उससे पहले ही जो है ना मुझे वो रफ्तार रफ्तार जो है चीजें मतलब साइडलाइन होना शुरू हो गया था मैं मैं आपको मतलब आप डिटेल पूछेंगे मैं बता क्यों 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 मैंने आपको सारी डिटेल बताई है जी मेरे जैसे लोगों से जब जरूरत पड़ती है तो आपके पास और कोई सिलसिला ना हो तो वो बड़ा अच्छा चीज लगती है लेकिन जब आपके वो सूरत्याल बदल जाए तो फिर आपको नहीं अच्छी चीज लगती कि कल को जो है फिर ये और चीजें भी तो ऐसे तो बेशुमार लोग हैं पार्टीज में जैसे को पीपल्स पार्टी में भी हैं पीएमएलएन में भी हैं हमेशा रहे तो ऐसे लोग है? वो लोग आदाब दरबारी जानते हैं वो इस तरह बात नहीं करते जिस तरह तुम फूट के बात नहीं, तो पास उम्र के साथ क्या हुआ ये खुद बोने हैं ठीक है ये बर्दाश्त नहीं अंधो में काने राजे हैं तो बाकी सारे अंधे होंगे तो फिर ये काने जो है ना राजे नजर आए तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम इस सियासत का हिस्सा बनो छोड़ो ये कुछ और करो तो मैं किस मुल्क की सियासत करूं पाकिस्तान में नहीं करनी मैंने सियासत तो सियासत ही क्यों करनी है दानियाल क्यों नहीं करनी मैं चाहता हूँ की मेरा मुल्क बेहतर हो इन हालात में जी इन हालात से निकालने के लिए जो तुम्हारे मुताबिक जिस किस्म के लीडरान है हमारे सारे अक्रॉस द बोर्ड तो कोशिशें की है सीखा है अब आगे और कोशिश करेंगे तो हालात बेहतर हुए नहीं बलात और खराब हो गए तो फिर तो कोशिश की तो फायदा, है। फायदा क्या हुआ है। मैं बता रहा आपको क्या फायदा इतनी हुआ है जिदोजहद करने का फायदा फायदा क्या एक हुआ हुआ अच्छा सवाल किया आपने फायदा ये हुआ है? कि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में यह बात साबित हुई है कि मुतबादल निज़ाम बन सकते हैं और चल भी सकते हैं इससे पहले ये सोच भी नहीं थी ये तजर्बा तो भी नहीं था आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि मैं भी समझती हूँ एन जरूरी है सर्विस डिलीवरी के लिए जो तुम भी समझते हो जिस पर तुमने बहुत काम किया एनआरबी में तुम्हारा क्या ख्याल है इसके ऊपर सियासी कुवतों का इतफाक हो गया एक दूसरा तुम्हारा क्या ख्याल है कि अवाम को आगाही हो गई है कि इसके बगैर हम लोगों को कुछ नहीं मिलना और तीसरी चीज क्या इदारे भी तुम्हारी तरह मेरी तरह इस चीज़ के ऊपर अग्रीमेंट में है कि ये करेंगे तो निजाम चलेगा ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हम दे सकते क्या इस चीज़ इन इन चीज़ों पे तुम्हें तुम अग्रीमेंट है नहीं नहीं है ना गल है वे कि जो तेरा पार्टी हों ते के नाल इख्तलाफ हूँ तो यह गल् सारिया बहर निकल आंदियां ने कि गलत है यह गलत है यह गलत है यह नहीं सही है नहीं सही जदों पार्टी के नाल ठीक ठाक होना है मोड़े पोल जाना है और मेरा तेरे नाल ए, है नुकता कि प्रॉब्लम तेरा ऐसी पार्टी दे नाल के नाल कि तू चाहें कि भाई मेरा आधा विंग होवे जिन्हू मैं नॉमिनेट करा क्योंकि मैं एम एन ए की सीट पर लाड़ा बजा आई अंडरस्टैंड दैट ये तुम्हारा हक है जो एम एन ए होता है वो अपना विंग सिलेक्ट करता है और अवैस कासिम साहब को जिनको तुम चाहते थे कि मेरा विंग बने वो पार्टी ने उसको विंग लेने से गुरेज किया क्योंकि अवैध कासिम का एक रिकॉर्ड है जो मेरी रिसर्च ने मुझे बताया कि वो अपने पैरों पे कायम रहने वाले लोग आदमी नहीं हैं वो कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं तो पार्टी ने कहा तुम्हें कि नहीं हमें ये कबूल नहीं तुम अहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल को अपना विंग बना लो बात तुम्हारी वहाँ से शुरू हुई इख्तलाफ़ तुम्हारा वहाँ से शुरू हुआ इस चीज़ को एडमिट करने में क्या गुरेज़ है जो अवैस कासम साहब हैं उनके उनको पार्टी ने टिकट अप्रूव कर दिया था उनको 21 अक्टूबर से पहले मैं पार्टी प्रेसिडेंट के पास लेके गया था शिबाज शरीफ साहब के पास वहां पर उनकी जो भी बातचीत थी माजी के हालात के मुताबिक वो मामला सेटल हो गया था बेसिकली उसकी वजह यह थी क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो है पी एम एल एन के उनकी सेक्रेटरी जनरल का सियासी कद नहीं है हमारे जिले में और पिछली दफा भी उन्होंने मेरे से मांग के अपने बेटे को बचाने के लिए ये चेयरमैनशिप ली थी अहमद इकबाल साहब के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की उन नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुला के कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें इसके बेटे को बना दें ये तो ये बात उसका जो नाक रगड़ा गया है तारीख में और अपनी जमात के सामने सारों को इस बात का पता है उसमें उनको तकलीफ है बहुत इसलिए उन्होंने कहा कि अब फिर से मुझे वो दिन देखना पड़ेगा तो बेहतर यह है कि मैं अभी लड़ाई डाल रूं और ये एम पी ए शेप एक ले लूँ दानियाल के नीचे ताकि उसको ये कंट्रोल ना कर सके पूरे जिले को ये थी बेसिक लड़ाई फिर तुमने जब क्रिटिसिज्म किया पार्टी का वहां से शुरू होके तुमने कहा कि महंगाई इन्होंने ऐसी बर्बादी लेके आए कि जिसके साथ बिल्कुल साख पार्टी की बर्बाद हो गई और ऐसे इकबाल को तुमने उस महंगाई के साथ जोड़ दिया पीडीएम की हुकूमत को जो करना था उन्होंने किया ये एक लगातार पुराना एक सिलसिला चला आ रहा है आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो इनकी बनाई हुई नहीं थी हाँ आई एग्री विद यू कि मैनेज बहुत बुरा हुआ लेकिन इसका एहसन इकबाल के साथ क्या था मेरी नाराजगी ये थी एहसन इकबाल के साथ कमेटी के, के चेयरपर्सन होते हुए इसने कोई तहकीकत नहीं करवाई ताकि ये साबित करे कि इमरान खान की वजह से ये महंगाई हुई है लेकिन पब्लिकली ये बात नहीं ना करनी चाहिए मैंने की थी क्योंकि क्यों की ये क्योंकि मैंने सर टकरा टकरा के इनको प्राइवेटली कहा था तो वो बात सुनता नहीं था शहज शरीफ साहब को पता है सब को पता है जे जो शोकाज नोटिस मेरी जमात ने दिया उसमें उन्होंने गलती से ये बात लिखती कि आपने जो बयान दिया वो हक पे मुबनी नहीं है तो मेरे जैसा तो इंतजार में बैठा होता कि मुझे कोई ये कहे जब मैंने शोकाज नोटिस का जवाब दिया ठीक है उसके बाद फिर अगर मेरा शोकाज नोटिस का जवाब एक्सेप्टेबल नहीं था और मैंने हकैक पे मुबनी बात नहीं की थी तो मुझे निकाल देते पार्टी से बहुत सारे निकाले मैं तो को निकाल दिया और लोगों को निकाल दिया

उसकी बीवी ने 2018 में कई हजार वोटों से पीटीआई को हराया हुआ है वोटों से पीटीआई को हराया हुआ है वो मजबूत लोग हैं एक मिनट वो मजबूत लोग हैं तो वो पार्टी पागल है कि तुम्हें टिकट नहीं देगी दोबारा क्यों नहीं दिया तुम्हें टिकट मैं बता तो रहा हूँ आपको थ्रेटन बाई यू कम ऑन दानियाल उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा

या मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ मसला कुछ और था और का बेटा पाल स्कीम नहीं थी ये ये दानियाल स्कीम थी लेट्स टेक अ ब्रेक स्टे अस खुशामदीद आगे चलते हैं 2020 दानियाल तुम पे बहुत मुश्किल साल गुजरा तुम्हारी बहन किरण जो कि बड़ी मेहनत करके एक वर्ल्ड क्लास एकेडमिशन बनी थी हार्वर्ड से पीएचडी की बर्कली में वो पढ़ा रही थी उम्र ज़्यादा नहीं थी उनको दिल का दौरा पड़ा वो इंतकाल कर गईं लेकिन उनकी वसीयत थी कि मुझे शकरगढ़ में दफनाया जाए तुम उनकी मैयत ले शकरगढ़ आए और इनको यहाँ उनकी तदफीन की और कुछ ही देर बाद चौधरी साहब का भी इंतकाल हो गया तुम्हारे वालद का फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी वालदा कोविड की मरीज़ हो गई हैं और बहुत शदीद बीमार हैं और ऑपरेशन ज्यादा थे तुम उस वक्त तुम्हें वापस जाना पड़ा क्या गुजरी तुम पे बहुत गंभीर वक्त था जी मतलब मेरे ऊपर बहुत बोझ था और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी सारी दुनिया खत्म हो गई है मुझे रंग नजर आने बंद हो गए थे हर चीज मुझे सादा नजर आती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं सुरख गुलाबा दे मौसम फूलों रंग काले फुलंदे रंग काले तो उसमें जो है मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अब मैं खास तौर तो पर मेरे वालद साहब का क्योंकि मेरी जिंदगी उनके साथ रोजमर्रा की बहुत थी। कि एक ही प्रोजेक्ट था हमारा जो मतलब हम जिसपे काम कर रहे थे सियासत कह लें या शकरगढ़ कह लें जो भी है तो उसमें बहुत ज्यादा बोझ मेरे पे था कि अब किस तरह से हम ले आगे चलेंगे क्या होगा किस तरह होगा ये दो की बात है जब हमजा शाहबाज शरीफ वजी अला थे चंद महीनों के लिए सर तुम्हारा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ शकरगढ़ में बहुत ही बुरा उस वक्त मैंने सुना है कि हमजा शाहबाज भी तुम्हें मिलने आए उस वक्त वजीर आला थे उन्होंने बड़ी उन्होंने आके की और उस वक्त अहमद इकबाल एहसिन इकबाल का बेटा वो भी मतलब उन्होंने पूरी वहाँ पर जो है ना हाजिरी दी और सब कुछ किया तो मैंने उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा भी किया जहाँ इतनी कुर्बतें थीं थी, हमदर्दियाँ थीं आपस में और इतनी हिस्ट्री थी तुम्हारी शेयर्ड हिस्ट्री थी तो दानियाल तुमने चंद बातें करके ये सब कुछ खराब कर दिया आप हैरान होंगे एक बात सुन के फिर आप कहेंगे कि मैं आपको समझ नहीं आ रही बात की जिस वक्त पैनमा पेपर्स हो रहा था ना उस वक्त हुसैन नवाज आया हुआ था पाकिस्तान और वक्त के साथ साथ चूंकि वो उसका इंटरव्यू किया था इन्होंने जे ने वगैरह वगैरह तो मैं उस वक्त सारी लीगल टीम्स में बहुत इन्वॉल्व था और उन दिन रात उनके साथ काम कर रहा था तो उनके साथ मेरी बड़ी काफ़ी कुर्बत होगी अक्सर मुलाकात होती थी तो करीबी हो जाती है तो एक दिन हम अकेले बाहर बैठे हुए थे कॉफी पी रहे थे तो मेज़ रखा हुआ था और मेरे ख्याल में यही दिन थे मौसम बहुत अच्छा था तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होती है तुम्हें कि तुम तुम्हारी काबिलियत देख के तुम से काम करते हो लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं इस पार्टी का जो है ना कोई भरोसा नहीं है ये तुम्हें आइंदा टिकट नहीं लेने देंगे हुसैन नवाज ने ये कहा मुझे आज तक वो बात मेरे कानों में गूंजती है फिर तुमने दो जार... चौबीस की जो ये इलेक्शन आई ये इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर लिया जी बिल्कुल मुझे कहा उन्होंने कि जी आपको एडजस्ट कर देंगे ये वो मैंने कहा मैं एडजस्ट वाला नहीं हूँ जो जो किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा अच्छा रिपोर्ट्स तो सारी ये थी कि तुम वहाँ पर काफी ठीक ठाक जा रहे थे लेकिन रिपोर्ट्स नहीं रिजल्ट लेकिन देखो दानियाल सच्ची बात ये करनी चाहिए कि यहाँ पर एक पीटीआई की हवा चली है और वो हवा बहुत से लोगों को अपने साथ ले गई है उठा के ले गई वहां भी चली है तो उसमें लेकिन जीतने वाली नहीं थी उसमें क्या तुम समझते हो कि तुम फिर भी जीत सकते थे उस हवा के बावजूद तो, मैं कह जीता हूँ तुम्हारे पास सारे तुम्हारे फॉर्म 45 हैं तकरीबन इकट्ठे कर रहे हैं हम उनमें भयानक हाल वाजे हो गई है वाजे हो गया कि क्या किया उन्होंने तो तुम जाओगे ट्राइब्यूनल पे बिल्कुल ट्राइब्यूनल में तो एक मैं पहले भी गया ट्राइब्यूनल में उसका फैसला तब हुआ जब हुकूमत को खत्म हुए पांच साल हो गए थे यानी दस साल के बाद वो फैसला है तो इस दफा भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना चले कोई बात नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता देखे मैं आपको बताऊं मैं कहता हूं कि जी आप ये तीनों को बना दें इमरान खान को बलावल साहब को नवाज शरीफ साहब को को प्राइम मिनिस्टर और आप पाकिस्तान का ये महंगाई और बेरोजगारी का हाल आपका क्या ख्याल है हो जाएगा इनके पास प्लान ही कोई नहीं है रेहड़ियाँ खाली हैं ये रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत इनको आती है रेहड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं अब तो बकायदा सियासत करनी पड़नी है कि पाकिस्तान को किसी मंजिल पर लेके जाना इसको बचाना है कैसे बचाएंगे ये रिटायर्ड ब्यूरोट बचाएंगे इनको तो लेजिस्लेशन के स्पेलिंग नहीं आते क्या तुम समझते हो कि ऐसे कोई लोग नहीं है फेडरल कैबिनेट में या पंजाब में जो कि पाकिस्तान की शिप ऑफ स्टेट को स्टेयर कर सकेंगे बिल्कुल भी नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो है ना कि लोगों को निकाल दें सस्पेंड कर दें ये फे को ले आए आए फलाने को ले आए। ये पाकिस्तान में नहीं कामयाब आपको एक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच चाहिए इस चीज का मतलब ही नहीं पता इनको जब मैं ये बात करता हूँ तो मुंह के ऐसे करके मेरी तरफ देखने शुरू हो जाते हैं इसका की मतलब है चोई देखो जब तुम एनआरबी में थे गवर्नमेंट इज सोलन बियॉन्ड कैपेसिटी बहुत से ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं जिनको यहाँ होना ही नहीं चाहिए कई लोग कहते हैं कि दे शुड बी रिड्यूस्ड बाय अप टू बा जो कि हुकूमत के अंदर भर्तियाँ हुई हुई तुम वो उसका कुछ नहीं कर सके तुम कहते हो कि ये जो चीज़ें फंडामेंटल फ्लॉज हैं पाकिस्तान की इकोनमी में इनको कोई एड्रेस करने के काबिल नहीं है ये तुम बात करते हो फिर तुम कहते हो कि मैंने यहीं रहना है यहीं सियासत करनी है इन्हीं पार्टीज़ के साथ मैंने काम करना है दानियाल मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही तुम एक तरफ जो तुमने तस्वीर पेंट की है वो इतनी भयानक है कि उसके अंदर उम्मीद की किरण नहीं है दूसरी तरफ तुम कहते हो कि काम यहीं करना है

Thank you, Daniel Aziz. And thank you so much.